हेलो एवरीवन, असलामुअलैकुम टू ऑल, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे किस चीज़ का हॉल लेकर आई हूँ मैं। सो ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब मैं इस वीडियो में रिव्यू देने वाली एंड प्लस मैं इस चीज़ के मतलब एसेस के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि इसकी डिलीवरी कितनी डेज में होती है, क्या इसकी साइड है एंड क्या इसके ऑफर्स हैं, सब कुछ बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि इस साइट की ये फैसिलिटी है कि आप इसमें ऑप्शंस में चूज कर सकते हो। जैसे कि आपको 44499 का एक टॉप पड़ रहा है तो आप 3 लेके उसको 399 या फिर 333 में ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये ले रखा है 999 में 3। तो इस पे ऐसे ऑफर्स हैं जैसे कि फ्लैट्स हैं 999 में 3 फ्लैट्स हैं, हील्स हैं 999 में 2 हील्स हैं एंड बूट्स की स्टार्टिंग 499 है एंड 799 है, जो कि मैंने एक मंगा रखा है अभी बट आया नहीं है, बट मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी बहुत जल्दी। तो चलिए स्टार्ट। तो ये मुझे 3 रिसीव हुए हैं 3999 में। सो मैं अब इसको बताने वाली हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है एंड सब कुछ कैसा है। तो फर्स्ट हम लोग ओपन करते हैं ये फ्रॉक, ड्रेस टाइप की है, ये ड्रेस है, खोलते हैं अभी। अभी ये तीनों में से सबसे बेटर मुझे यही चीज़ लगी है जो मैंने 333 में लिया है। सो ये ड्रेस की क्वालिटी थोड़ी लाइट होगी बट ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। इसकी स्लीव्स फुल है यहाँ तक के। इसका कपड़ा थोड़ा लाइट है, ठंड में पहनने वाला नहीं है, बट ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके साथ ये बेल्ट भी आई हुई है इससे अटैच करने के लिए। और ये ड्रेस अभी तक के बहुत ही अच्छी ड्रेस मुझे पड़ी है 333 की, तो इससे अच्छा क्या होगा यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये सोच रही थी अगर शर्ट मैं एम साइज में मंगा लेती, ये मैंने स्मॉल साइज में मंगाई है, मुझे फिट तो आ रही है बट थोड़ी अगर ढीली होती तो बेटर रहता। तो इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको क्या कहेंगे, सैटन का कपड़ा, सैटन का कपड़ा। सो ये ब्रांड के साथ आई हुई है, ब्रांड टैग लगा हुआ है इसमें एसएस का, और ये फुल अच्छी लग रही है। इसको मैं मतलब मैंने जब लेते टाइम ये सोचा ज्वेलरी के साथ तो ये बहुत अच्छी जाने वाली है। सो मैं पहले सोच रहती हूँ कौन सा कपड़ा किसके साथ जाएगा, तभी मैं कोई चीज़ बाय करती हूँ। सो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अगर 2-3 चीज़ों के साथ तो वेयर कर ही सकते हैं इसको ड्रेस अप होने के लिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर मैं इसको एस ना लेके एम ले लेती तो मुझे ये बहुत अच्छा जाता, बट कोई नहीं, मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी जैसे तैसे। तो आते हैं इस पे। तो ये मैंने मंगाया है पैंट टाइप की, तो ये बोहो टाइप की पैंट्स होती है ना इस टाइप में, सो ये मंगाया। बट इसकी लेंथ एंकल लेंथ है भी, मतलब मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही ऊंची है। और इसका कपड़ा जो प्लाजो वाला कपड़ा होता है ना, आप समझ रहे हो, प्लाजो वाला कपड़ा जैसे कि सूट्स वगैरह पे जो डाला जाता, इसका कपड़ा वैसा वाला है और कॉटन बिल्कुल नहीं है। सो मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब लगी, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसके ऊपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है बट ये मुझे छोटी पड़ रही है। मैं इसको भी एस में ना करके अगर एम में मंगाती तो हो सकता है मुझे थोड़ा सही लगता, बट ये मैंने एस में मंगाया बिकॉज इसका साइज चार्ट मैंने देखा तो ये मुझे एस लग रहा था कि मुझे एस में आ जाएगा, बट एस में नहीं आया। तो जो भी इसको बाय कर रहे हों एम में ही मंगाए, सो बेटर रहेगा। सो क्लॉथ पार्ट हो चुका है, अब मैं बताती हूँ, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है वरना आप कुछ भी मिस कर सकते हो। तो मुझे जो मैसेजेस आए थे उसके भी आप में अब बताना चाहती हूँ, आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी अगर आप शूज़ पार्ट देखना चाहते हो कि मैंने हील्स वगैरह क्या मंगाई है, तो आप आगे देख सकते हो। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कम से कम उसमें साइट में भी मैंशन होता है 3-15 डेज, बट ये आता है 15-30 डेज में स्टॉक आ जाता है
एंड इसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आप एक्सचेंज करो, क्योंकि जब ये 15 या 20 दिन में, 20 नहीं, मैं कम से कम मैंने मंगाया था 1 month, सो मैंने मंगाया था 1 month पहले, तो ये मुझे आया 27 या 28 डेज में, तो अगर मैं 27 और 28 डेज में इसको रिसीव करूँगी, अगर ये मुझे ठीक नहीं आया एक्सचेंज करूँगी, सो मैं इसको एक्सचेंज करूँगी तो ये मुझे 15 से 20 दिन फिर लेगा, फिर उसके बाद 15 से 20 दिन आने में लगेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सचेंज वाला ऑप्शन ठीक होगा, तो हो सके तो आप अपने साइज का ही मंगाओ, रिटर्न ना करना पड़े, और अगर हील्स वगैरह मंगा रहे हो तो जो पहले आपका जो साइज हो उसको मंगा के चेक कर लो, जैसे स्लीपर्स हैं या फिर ये ट्रिपल लाइन वाला ऑप्शन ले रहे हैं आप फ्लैट्स में, तो आप पहले एक फ्लैट्स मंगा के चेक कर लो कि आपको कितने मतलब साइज ठीक पड़ रहा है, तो ही आप ये ऑप्शन लो, वरना मत लो। सो स्टार्ट करते हैं अब ये वाला पार्ट, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये मुझे पड़ी है 999 की 2 हील्स, सो और ये मेरा साइज है 39, सो ये है फर्स्ट पेयर, ये होगा एनिमल प्रिंट, जो कि इस टाइम पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एनिमल प्रिंट मैंने बहुत एनिमल प्रिंट में मंगाई हुई है, इसको चीता प्रिंट कहेंगे आई थिंक सो, तो फर्स्ट पेयर ये होगा मेरा, जो इसकी क्वालिटी मैं कहूँगी, हाँ मुझे ये भी क्वेश्चन आए थे कि हील्स वगैरह की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अगर मैं कहूँ कि होगी 500 में, हाँ 500 में बहुत ही बढ़िया हील होगी, सो तो इसकी क्वालिटी जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी है, और ये पहनने पे भी बहुत ही अच्छी लगती है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा आया है, प्रिंट भी और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, यहाँ से सॉफ्ट सॉफ्ट है, एंड इसका बैग भी पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट है, नहीं लगता कि ये उखड़ेगी, मैं आगे मैं और भी चीज़ें मंगाऊंगी तो उसका भी रिव्यू करूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये हील्स, जो कि अब तक के सबसे बेस्ट हील्स होने वाली है मेरी लाइफ की, कभी भी हील्स नहीं ट्राई किया, जब से ये वाले ऐसे वाली आई ना ब्लॉक हील टाइप की, तो मैंने ये फर्स्ट ब्लॉक हील ट्राई करी है, सो ये मेरी पहली हील्स होने वाली है अब तक की हाई हील्स, ये सो ये 4 इंचेस हील है, तो ये ब्लॉक हील्स हैं और अब तक के मेरी बेस्ट परचेज होगी, और इसकी क्वालिटी A1 है, मतलब नंबर 1 इसकी क्वालिटी, एंड इसकी जिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब सी जिप लगा के दे दी है, नहीं इसकी जिप भी बहुत बढ़िया है, और बाकी इसकी क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सो बेस्ट हील्स होंगी, और मैं इसको बहुत अच्छे से पहनने वाली हूँ, मतलब बहुत ही अच्छे से पहनने वाली हूँ। आई होप मैंने सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दी हूँ, और आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये साइट को ट्राई भी ज़रूर करिएगा, और ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये साइट से क्या क्या ऑर्डर किया, और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।